आज की हमारी कहानी है आरती जी खंडेलवाल की। इनका जीवन अति संघर्षपूर्ण रहा, फिर भी इन्होंने अपनी हिम्मत न हारते हुए सभी कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना किया। शायद आपने ऐसे जज्बे और हिम्मत वाली महिला के बारे में कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी। बात उस समय की है जब आरती जी की शादी नहीं हुई थी। आरती जी की चार बहनें हैं, जिसमें आरती जी दूसरे नंबर पर हैं। इनके माता पिता के लिए यही बेटे और बेटी के समान हैं। जब यह 17 वर्ष की थी, तब इनके पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। पिताजी ब्रोकरशिप का कार्य करते थे, तो परिवार की लापरवाही के कारण उस समय जब इनकी तबीयत खराब हुई तो इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल से सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वे याददाश्त के साथ सीधे लकवे से ग्रसित हो गए और बिस्तर पर आ गए। इनके घर में उस समय इनके पिताजी के अलावा माँ और बहनें थी। चूंकि अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि माँ के अलावा दो छोटी बहनें थी जो कि स्कूल में पढ़ती थी, और आरती जी भी उस समय GNIIT का कोर्स कर रही थी, साथ में अपना ग्रेजुएशन भी कर रही थी। घर की परिस्थितियों को देखते हुए आरती जी सुबह से शाम तक जो मिलता उनसे नौकरी लगवा देने का अनुरोध करती। उसके बाद वहां पड़ोस में रहने वाले अंकल का दिल्ली में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था। 1996 में वहां प्राइवेट पढ़ाई करने वाले बच्चों को कोचिंग और एजुकेशनल काउंसलिंग का जॉब इनको मिल गया। इन्होंने अपनी परिस्थिति के अनुसार उसमें शिफ्ट मांग ली। घर का खर्च बढ़ने लगा तो आरती जी ने कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, और फिर थोड़े ही समय में तीसरी बहन की भी नौकरी लग गई। पापा की बीमारी के बाद बड़ी बहन की शादी हो गई, जिसका खर्च इनके ताऊजी ने उठाया। इस समय अब इनकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो चुकी थी, साथ ही ये जो कोर्स कर रही थी वह भी पूरा हो चुका था। अब इनके घर की परिस्थितियाँ काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, तो इग्नू से MBA करने की शुरुआत की। फिर बहन की शादी के एक साल के बाद बहन के देवर की ओर से शादी का प्रपोजल मां के आगे रखा गया। इनकी बहन और जीजा जी तथा उनका परिवार इस शादी के खिलाफ था, लेकिन देवर के मनाने के बाद उनके घर वाले मान गए, और इनकी मां के कहने पर इन्होंने भी शादी के लिए हाँ कह दी। बेटे की जिद को ब्याह के लाने के बाद 7-8 महीने में ही ससुराल वालों की मजबूरी की हामी दिखाई देने लगी। 7-8 महीने इन्होंने अपनी जॉब कंटिन्यू रखी, क्योंकि ये अपने परिवार की मदद करना चाहती थी, जिसकी परमिशन इन्होंने अपने पति से पहले ही ले ली थी। फिर जब यह प्रेग्नेंट थी तो 7वें महीने में इनके ससुराल वालों के द्वारा इन्हें अलग घर बसाने के लिए कह दिया गया। क्योंकि MBA कर रही थी उस समय, तो 8वें महीने में MBA की फाइनल एग्जाम थी। ये एग्जाम इन्होंने अपनी माँ के साथ जाकर दी, और कुछ ही समय बाद इनके बड़े बेटे का जन्म हुआ। फिर 2 साल बाद ये अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। कुछ समय इनके पति की तबीयत अचानक से खराब रही, पर इनके घर वाले उन्हें देखने नहीं आए। फिर इनके दूसरे बेबी का जन्म हुआ। कुछ समय बाद शारीरिक समस्या महसूस होने लगी तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कोलोनोस्कोपी का टेस्ट करवाने की सलाह दी। कोलोनोस्कोपी एक तरह का टेस्ट होता है, जिसमें बड़ी आंख तथा गुदा की समस्याओं के बारे में पता लगाया जाता है। इनका यह टेस्ट पॉजिटिव आया, फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि सर्जरी करनी होगी। फिर सर्जरी करवाई और छोटी आंत इनके शरीर से बाहर कर दी गई। 3 महीने बाद इनकी पुनः एक सर्जरी हुई, जिसके बाद इन्हें लंबे समय तक रेस्ट करने की सलाह दी गई। फिर बहन के कहने पर स्वयं को व्यस्त रखने के लिए इन्होंने बीमारी की अवस्था में ही LLB की एंट्रेंस एग्जाम दी, और वह एग्जाम इन्होंने क्लियर भी कर ली। फिर 2011 में इनकी LLB कंप्लीट हुई, और 2014 में अधिवक्ता यानी एडवोकेट बन गई। उसके बाद 2017 में इनके माँ और पिताजी जो कि लकवाग्रस्त थे, तीर्थ पर गए, तो वहाँ माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनका श्रीजी शरण हो गया। 11 महीने बाद पिताजी भी अपनी अंतिम यात्रा पर चले गए। जैसे तैसे इन्होंने स्वयं को और अपनी बहनों को संभाला, और अपनी गृहस्थी संभालने में लग गई। फिर बड़े बेटे का एक प्रोजेक्ट नीति आयोग के लिए सिलेक्ट हुआ, तो स्कूल में मेंटोर नहीं होने के कारण प्रिंसिपल का कॉल इनके पास आया, और कहा गया कि आप स्कूल को रिप्रेजेंट कीजिए, क्योंकि आप यह जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हैं, और यह आपके लिए एक लाइफटाइम अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। फिर सफलतापूर्वक स्कूल को रिप्रेजेंट किया,
और वापस आने के बाद समाज और स्कूल की ओर से इन्हें एप्रिसिएशन एवं एक नई पहचान मिली। वर्तमान में आरती जी एक सीनियर एसोसिएट है लॉ फर्म में। आरती जी से हमें जो प्रेरणा मिली है वह मैं आपको एक कविता के माध्यम से बताना चाहूंगी। गिरना कितनी ही बार तू, उठने का जज्बा न गिरने देना, दुनिया से हारे तो हार जाना, मन से खुद को न हारने देना। भले ही शुरुआत फिर से तेरी, इस बार होगी जीरो से ही सही, होगी मिसाल इस जहां में, लेकिन एक दिन कोशिशों से ही तेरी, कोशिशों से ही तेरी।